Hi guys, welcome to my channel Automobile Guruji guys. Thanks for subscribing my channel. और आज हमारी family guys 900 subscriber पे पहुंच चुकी है. Thank you so much आपने मेरा channel subscribe करा. और जिन लोगों ने ये video देख रहे subscribe नहीं करा, please do subscribe for more and more motivation. So guys, आज जो मैं आपको product reveal करने जा रहा हूँ, ये बहुत मार्केट में इन है. पीपल आर इंक्वायरिंग की कमेंट सेक्शन में कि हमें सर ये वाला प्रोडक्ट बताइए, ये कैसा रिस्पांस है. आपके लिए मैं स्पेशल ये प्रोडक्ट मैंने अरेंज करे हैं कि आपको मैं बता पाऊँ कैसा है, इसका आउटपुट क्या है, क्या नहीं है गाइस. सो और एक भाई हमने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट करा था कि आप ये सब लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सर्विस है या नहीं है. सो गाइस, जो भी ये प्रोडक्ट है, हेड यूनिट है, अगेन इट्स विद बिल विद 18% जीएसटी जो भी अमाउंट है. सो यू डोंट हैव टू वरी. अगर आपके पास वारंटी कार्ड है, आपके पास अगर जीएसटी बिल है, इफ यू गो टू द सर्विस सेंटर यू विल गेट द सर्विस. एंड ऐसा कुछ कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है. मैं डायरेक्टली जिस डिस्ट्रीब्यूटर या जिस अगर रिटेलर के पास भी अवेलेबल है तो मैं वहां से आपको अरेंज कर देता हूँ. मेरे को ये है कि आपको बस प्रोडक्ट रिवील करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या अच्छा है क्या नहीं है. इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम योर नियरेस्ट रिटेलर और शॉप, आप वहां से लीजिए. आई डोंट हैव एनी क्वेरी. मैं उनके लिए आई कैन प्रोवाइड जो हमारे भाई बैठे हैं आउट ऑफ द दिल्ली या फिर कहीं बैठे हैं कि वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रहा, देन आई कैन हेल्प यू इन अरेंजिंग दिस. बट इफ यू आर गेटिंग एनीवेयर इन द मार्केट यू कैन गो फॉर इट. आई डोंट हैव एनी इशू. बट दिस इज माय चैनल इज बेसिकली टू गिव यू द इंफॉर्मेशन कि आपको क्या लगाना चाहिए. सो पीपल आर आस्किंग अबाउट 5290. सो आज हम आपके लिए 5290 लाए हैं गाइज. सो लेजेंडरी प्रोडक्ट है. देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा पिछली वीडियो में मैंने 229 डाला कि वो बेकार है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो बेकार है. बजट आई मीन 10 के अंदर वो वाला बेस्ट है, 20 के अंदर ये बेस्ट है. मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, आपको बिल भी दिखाऊंगा. सो क्या है इसका, क्या नहीं है. सेकेंडली गाइज, अब मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बताऊंगा. सो फीचर्स गाइज, इसमें क्या मेजर डिफरेंस है. तो ये गाइज 7 inches का इसका डिस्प्ले है. फर्स्ट, इसमें एंड्रॉइड ऑटो आ जाता है, एप्पल कारप्ले आ जाता है, ब्लूटूथ आ जाता है, वेब लिंक, एंड यू कैन आई एम नॉट अवेयर अबाउट द वेजी ऐप एंड स्पॉटिफाई. तो गाइज आप सबको पता ही होगा. सो इसका जो रिस्पॉन्स है मेरी, आपकी अगर स्विफ्ट में लगाएंगे, कोई भी गाड़ी में लगाएंगे, 7 inch का अच्छा लगेगा. अब बात करते हैं क्रेटा और किया सेल्टॉस. सो गाइज, आई नो कि उसका फ्रेम 10 inches के नियर बाय होता है, नहीं अच्छा लगता. उसके लिए भी मैं एक वीडियो ला रहा हूँ गाइज अबाउट द की, क्योंकि लोगों ने मेरे से बहुत पूछा किया के लिए हम क्या लगाएं. सो एक सोनी का प्रोडक्ट आ रहा है और एक पायनियर का भी प्रोडक्ट आ रहा है. आई गोना रिवील दैट प्रोडक्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो कि क्या है हमारे भाइयों के लिए. सो उसमें वो बहुत अच्छा, क्योंकि गाइज मैं एंड्रॉयड को मैं प्रमोट नहीं करता. मेरे को उसका आउटपुट मैंने बहुत लोगों की गाड़ी में सुना है, और सेम जैसे कि सेम कॉम्पोनेंट, सेम सबवूफर, सेम डैम्पिंग होती है उन लोगों की गाड़ी में, बट उन्होंने एंड्रॉइड लगाया और पायनियर. सो उसका बहुत फर्क आता है, मैंने ये देखा है. सो गाइज, मैं अभी आपको प्रोडक्ट इसका ओपन करके दिखाता हूँ. ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने मंगवाया था, आई जस्ट शो यू. सो गाइज, आप देख सकते हैं इसमें वारंटी कार्ड है, अपना मैनुअल है, माइक. हाँ गाइज, मैं एक और चीज बताऊंगा. सो इसके अंदर अलग से आपको माइक लगाना पड़ता है. जो 229 है उसके अंदर इनबिल्ट है. सो अगेन, ये एक एडवांटेज ही है, क्योंकि आप जितना माइक पास लगाएंगे आपको उतना ही क्लैरिटी आएगी जो बंदा जिसको कॉल या एट द टाइम आप यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट गाइज, इसमें रिमोट आ जाता है, कपलर है, फ्रेम आ गया, ये आपका स्टीरियो की वायर है, नट्स है. रेस्ट मैं आपको इसका हेड यूनिट दिखाऊंगा. सो गाइस, देख सकते हैं आप, अमेजिंग इसका जो डिस्प्ले साइज है, बहुत ही अच्छा है. 6.3 मेरा है जो मैं 229 कर रहा हूँ, इसका 7 inch है. माय बजट विल अलाउ, मैं डेफिनेटली इस पर अपग्रेड करूंगा गाइस. सो पीछे से बात करें, आप देख सकते हैं उसमें 4 RC आउटपुट के थे, इसमें 6 हैं गाइस. ये आप देख सकते हैं RC आउटपुट, जो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है गाइस. लेटर ऑन मैं इसका एडवांटेज भी बताऊंगा, क्या इसका एडवांटेज है. सो सेम, बाकी चीजें सेम है, USB का उसमें भी था, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है. बस मेजर जो डिफरेंस है, इसमें 6 आउटपुट्स हैं, उसमें 4 थी. सो गाइज, ये तो हो गया हमारा हेड यूनिट. अब बात करें गाइज कॉम्पोनेंट्स की. सो मेरे को सबसे जो बजट में लगता है इस इन्फिनिटी रेफरेंस, बहुत अच्छा है. आपको जहां से भी मिल रहा है आप लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कॉम्पोनेंट्स है. मैं
रेफरेंस भी यूज कर मैं अपना बहुत सारे कॉम्पोनेंट यूज कर चुका हूँ, मेरे को बस रेफरेंस की क्लैरिटी बहुत अच्छी लगती है। सो गाइज अब मैं तो एक नया आपको प्रोडक्ट और दिखाऊंगा, आई जस्ट शो यू, गिव मी अ सेकंड गाइज। सो गाइज दिस इज समथिंग न्यू, मैंने अभी तक ये प्रोडक्ट किसी में नहीं दिखाया था। सो गाइज दीज आर सम रेन गार्ड, आपको कहीं भी मिल सकते हैं अवेलेबल, अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस प्रोडक्ट इन आउट लाइक आउट ऑफ दिल्ली या पैन इंडिया कहीं नहीं मिल रहे, तब मैं आपके लिए यू कैन आस्क मी कि आपके पास है, आई विल गेट इट अरेंज फॉर यू। सो दीज आर सम रेन गार्ड्स, बेसिकली क्या होता है कॉम्पोनेंट्स रेन गार्ड है, 6.5 इंचेस कोई भी कॉम्पोनेंट लगा रहे हैं उसके लिए आपका रेन गार्ड है। सो ये आपका प्रोटेक्ट करता है, जैसे आपका विंडो आपका डोर में पानी आता है एंटर करता है, तो उसके लिए ये काफी अच्छी चीज है। सो अगेन ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, समवेयर अराउंड इसका प्राइस 400 रुपीज है। सो नेक्स्ट इज दी फोम रिंग विच आई ऑलरेडी रिवील्ड इन माय लास्ट वीडियो, एक बार फिर से दिखा देता हूँ अगेन गाइज, आई डोंट नो कि ये यूज है, लोग लगा रहे हैं वेल एंड गुड, बट ये यूजफुल है या नहीं है आई कैन नॉट अश्योर यू अबाउट दिस, बट ठीक है इफ एनी वन इज आस्किंग फॉर इट यू लाइक आप एक बार चेक करिए इसका क्या फीचर्स है क्या नहीं है, देन यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट चीज गाइज दिस इज समथिंग न्यू, लास्ट वीडियो में मैंने मैक्सलिंक का नॉर्मल कैमरा दिखाया था, ये थोड़ा एडवांस कैमरा है, ये आपका क्या होगा वो आपके बम्पर में ड्रिल होके लगता है, ये आपका जहां पे जैसे क्रेटा है क्रेटा के डायरेक्टली अटैच ऊपर हो जाता है तो ये दिखता नहीं है, इसके लिए आपको बम्पर होल नहीं कराना पड़ता। सो अगेन ये गाइज ये समवेयर अराउंड 1250 रुपीज का है, सो अच्छा काफी अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट गाइज अब आती है मैक्स वायरिंग किट के बारे, सो वायरिंग किट गाइज दो ऑप्शन होते हैं 8 गेज एंड 4 गेज, 0 गेज भी होता है बट वो काफी हाई एंड सेटअप्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। दिस इज लाइक अगर आप अच्छा सेटअप लगा रहे हैं तो यू नीड अ 4 गेज वायर, काफी प्रीमियम वायरिंग किट है ठीक है। अगर आप नॉर्मल एक छोटा इंक्लोजर लगा रहे हैं तो आपके 8 गेज भी मोर देन इनफ है, बट अगर आप टॉप प्रोडक्ट लगा रहे हैं देन यू नीड अ 4 गेज वायरिंग किट। मूविंग अहेड गाइज दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज द रॉकफोर्ड P310T गाइज, 10 इंच का इसका सबवूफर है। सो ये अगेन गाइज मैं एक्टिव सबवूफर ही बोलता हूँ, आप लगाइए कोई भी कंपनी का लगाइए, एक्टिव सबवूफर में क्या होता है एम्प जो होता है इनबिल्ट होता है, आपका सबवूफर आ गया इंक्लोजर आ गया इसमें और जो आपका एम्प होता है क्लास डी का वो इसके अंदर इनबिल्ट होता है। द रीजन में अलग अलग अगर एम्प लगाएंगे तो आपको क्या होता है थोड़ी सी हमिंग की आवाज आती है, बट एक्टिव सबवूफर में इसकी ये चीज एडवांटेज है। सो गाइज अगेन आपको मॉडल में दिखाऊंगा, P310T है, ये 10 इंच का है, ये जब टू बी ऑनेस्ट मैं इसको अगर अभी ओपन नहीं करूंगा क्योंकि ये किसी सब्सक्राइबर का है, आपको मैं इसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा, आपको इसको इंस्टॉल करके इसका आउटपुट दिखाऊंगा। सो एक और लास्ट चीज गाइज, मेरे काफी लोग पूछ रहे क्वेश्चन की डैम्पिंग शीट कितनी चाहिए होती है, अगेन गाइज आई टेल यू कि कैसे डिसाइड होता है। सो आपके टारगेट पे डिसाइड होता है, आपका अगर टारगेट है कि आपको बस डोर ही मतलब आपको कॉम्पोनेंट्स ड्राइव करने हैं सो 2 शीट्स पर डोर विल बी मोर देन इनफ, आपके क्या होगा उससे इन्हांसमेंट हो जाएगी आपके कॉम्पोनेंट्स की, जितने भी आपका आउटपुट आ रहा है उसके इन्हांस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज में आता है गाइज इफ यू आर प्लेसिंग अ सबवूफर इन योर बूट और नॉट, अगर आप बूट में प्लेस कर रहे हैं अपना सबवूफर देन आपको एक तो बूट जो डिक्की होगी उसको डैम्प करना होगा नियर अबाउट 2 शीट्स और जहां पे आपकी स्टेपनी लगती है वो आपका जो एरिया काफी वाइब्रेट होता है सो आपको 3 से 4 शीट या 3 शीट विल बी मोर देन इनफ। सो आपकी डिक्की में 5 शीट होगी, डोर्स आपकी 8 शीट ले लेगा सो 13 शीट्स है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगर आपको रोड नॉइस बहुत आ रही है गाड़ी चलाते हुए आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत परेशानी हो रही है या बाहर की आवाजें आ रही है देन आपका टारगेट चेंज हो जाता है, आपको फिर आपको फ्लो डैम्प करना पड़ेगा। सो उसमें गाइस पूरा फ्लो डैम्प करें तो 7 शीट्स तो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है। सो आपको फर्स्ट आपको डिसाइड करना है व्हाट इज योर टारगेट, कि आप अगर आप कंपोनेंट्स लगा रहे हैं दो डोर में दैट्स इट तो आपको 8 शीट चाहिए, अगर आप बूट में अपना सबवूफर लगा रहे हैं देन यू नीड 5 to 6 शीट, अगर आप फ्लोर कर रहे हैं अगेन 7 शीट्स। सो ये मैंने पूरा बता दिया, आपके काफी क्वेश्चन थे कि मेरी ये गाड़ी कितने लगाने चाहिए, सो ये आपकी गाड़ी पे डिपेंड नहीं होता आपके टारगेट पे डिपेंड होता है कि आपका टारगेट क्या है। सो डैम्पिंग हो गया कवर, हमने कॉम्पोनेंट्स कर दिया, हमने अपना सबवूफर, गाइस आई एम रियली सॉरी कि इसको मैं अनबॉक्स नहीं कर पा रहा, किसी सब्सक्राइबर का है, वंस ही इंस्टॉल इट आई मैं आपको तब दिखाऊंगा। पायनियर का हेड यूनिट अगेन गाइस हाईली रिकमेंडेबल,
5290 आप कब से डिमांड कर रहे थे कि हमें दिखाओ, सो आज आपके लिए आ गया है। सो रिंग्स बता दिया, कैमरा बता दिया, सो फॉर नाउ गाइस अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आ रही हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किया के लिए और अपना क्रेटा के लिए क्या हेड यूनिट लगा सकते हैं। सो अब मैं प्राइस डिस्क्लोज करूंगा गाइस, क्या क्या प्राइस किस किस का है। सो विद बिल ये आपको मैं बिल भी आपको दिखाऊंगा। सो जो इसका प्राइस आ रहा है 10,700 रुपीज विद बिल, विद 18% जीएसटी आ रहा है इसका प्राइस। मैक्स लिंक की बात करें 1100 रुपीज का मैक्स लिंक का आपका वायरिंग किट है। जो कैमरा आ रहा है 1250 रुपीज का आपका कैमरा है। रेन गार्ड इज फॉर 400 गाइस। ये जो सबवूफर है ये आ रहा है 20,100 का। सो 20,000 में अच्छा ऑप्शन है, बट अगेन मैंने जो लगाया विद इन 10,000 लगाया, मेरे को बताया था मैंने 7600 रुपीज का मैंने होलसेल मार्केट से लिया था, और जो अगर 8,000 रुपीज का आपको किसी भी रिटेलर पे इजीली मिल जाएगा, सो यू कैन गो फॉर दैट। 20,000 के बजट में ये गाइस है। तो अगेन मैं एक बार इसका आउटपुट सुनूंगा, देन आई कैन टेल यू कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सेकेंड रेफरेंस समवेयर अराउंड 53-50। डैम्पिंग गाइस वाइब्रो फिल्टर इज आउट एट द मोमेंट, नहीं मिल रही है, सो अवेलेबल नहीं है, रियली सॉरी। दिस रिंग इज फॉर 1300। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं कुछ दिखाऊंगा, मेरे व्हील कवर थोड़े टूट गए मेरे ड्राइव करते करते, तो मैं अगेन वो व्हील कवर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट करा सर व्हील कवर के बारे में बताइए व्हील, अब वो व्हील कवर आ गया मेरे पास, सील्ड बैक बॉक्स है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। सो अगर गाइज आपने यहां तक हमारी वीडियो देखी है, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर मोर एंड मोर मोटिवेशन। थैंक यू गाइज।